बच्चों नमस्ते। बच्चों, दृढ़ संकल्प, कठोर परिश्रम करके कोई भी व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। महापुरुष बनने के लिए मनुष्य में ये गुण होने चाहिए। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने इन्हीं गुणों के बल पर अपना नाम भारत के इतिहास में अमर कर दिया। विपरीत परिस्थितियों से जूझकर उन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया। बाबा साहब ने पीड़ितों को ऊपर उठाने के लिए बहुत प्रयास किया और आप सब जानते ही हैं हमारे संविधान के निर्माता भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 24, बाबा अंबेडकर। संध्या हो रही है, पश्चिम दिशा में लाली फैल रही है, पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं। बड़ौदा के राजमार्ग पर पेड़ के नीचे एक युवक बैठा है। वह फूट फूट कर रो रहा है। आंसुओं का झरना लगातार झर रहा है। कोई धीरज नहीं देता, उसे कोई राह नहीं दिखाता। अचानक वह उठ खड़ा हो जाता है। आंसू पोंछकर वह सोचता है, किसने बनाई यह छुआछूत की व्यवस्था? किसने बनाया है किसी को नीच, किसी को ऊंच? भगवान ने? हरगिज नहीं। वह ऐसा नहीं करता, वह सबको समान रूप से जन्म देता है। यह बुराई मनुष्य ने पैदा की है और इसे मैं मिटाकर ही रहूंगा। मन में बार बार अपना निश्चय दोहराता हुआ वह युवक मुंबई लौट आता है। फिर वह जो कुछ करता है उसके कारण आज सारा देश उसे बाबा साहब के नाम से स्मरण करता है। मध्य प्रदेश के महू नगर में राम जी नाम के एक सूबेदार मेजर थे। वे महार जाति के थे। 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को उनके घर 14वीं संतान ने जन्म लिया। माता भीमाबाई 5 वर्ष तक उस बालक को पालकर स्वर्ग सिधार गईं। फिर चाची मीराबाई ने उनका पालन पोषण किया। वे बालक को प्यार से भीवा कहकर बुलाया करती थी। बाद में यही बालक भीमराव रामजी अंबेडकर कहलाया। जिस वर्ष भीमराव का जन्म हुआ उसी वर्ष रामजी नौकरी से छुट्टी पाकर रत्नागिरी के दपोली स्थान पर आ गए थे। यहीं भीमराव को पहली बार एक मराठे स्कूल में भर्ती कराया गया। 4 वर्ष बाद वे पिता के साथ सतारा आ गए और सरकारी स्कूल में भर्ती हुए। यहाँ उन्हें सब लड़कों से दूर रखा जाता था। अध्यापक उनकी अभ्यास पुस्तिका और कलम तक नहीं छूते थे। वे संस्कृत पढ़ना चाहते थे किंतु संस्कृत के अध्यापक ने उन्हें पढ़ाना स्वीकार नहीं किया। विवश होकर वे फारसी पढ़ने लगे। विद्यालय में उन्हें दिन भर प्यासा रहना पड़ता था क्योंकि उन्हें पानी के बर्तनों में हाथ लगाने की अनुमति नहीं थी। सन 1950 में रमाबाई नाम की कन्या से भीमराव की शादी हो गई। उस समय वे 9 वर्ष की थीं। शादी के बाद भीमराव अपने पिता के साथ मुंबई चले गए। वहां वे एल्फिंस्टन स्कूल में भर्ती हुए। इस स्कूल में छुआछूत की कुप्रथा नहीं थी। 2 वर्ष बाद भीमराव ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। महार जाति के लिए यह बहुत गौरव की बात थी। घर में खूब खुशियां मनाई गईं। भीमराव एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ने लगे। बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देना आरंभ कर दिया। बीए उत्तीर्ण होने पर महाराज ने उन्हें बड़ौदा में अपने दरबार में नौकरी दे दी। दुर्भाग्य से इसी वर्ष
उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। महाराज के दरबार में भीमराव से कट्टर हिंदू घृणा करते थे, चपरासी तक उनको फाइलें फेंक कर देते थे। तंग आकर भीमराव ने नौकरी छोड़ दी। वे फिर महाराज से छात्रवृत्ति पाने में सफल हुए और उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया अमेरिका चले गए। अपनी जाति के वे पहले विद्यार्थी थे जिन्हें विदेश जाने का अवसर मिला। कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ते समय भीमराव को अनेक अनुभव हुए। वहां उन्हें सबका प्यार और समानता का व्यवहार मिला। सन 1916 में वे कोलंबिया से लंदन पहुंचे। वहां एक वर्ष रहकर वे मुंबई लौट आए। महाराज गायकवाड़ ने उनको बड़ौदा बुला लिया और सेना में सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया, किंतु वहां फिर उनको घृणा का शिकार होना पड़ा। होटलों तक में उन्हें रहने का स्थान न मिला। इस व्यवहार से उनका हृदय टूट गया। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और मुंबई जा पहुंचे। विदेश में रहकर डॉक्टर अंबेडकर ने दो पुस्तकें लिखी थीं। धीरे धीरे उनकी विद्वता की धाक जमने लगी। मुंबई के एक कॉलेज में उन्हें प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर लिया गया, किंतु यहाँ भी झंझट थी। धर्म के कट्टर लोग उनसे घृणा करते थे। किसी प्रकार भीमराव ने दो वर्ष निकाले। अंत में यहाँ भी उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। अब उन्होंने छुआछूत की बुराई से लड़ने के लिए मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्र निकालना आरंभ किया। धन की कमी के कारण कुछ समय बाद ही उसे बंद करना पड़ा। भीमराव पढ़ने के लिए फिर लंदन चले गए। वहां तीन वर्ष रहकर उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। सन 1923 में वे मुंबई लौट आए और उन्होंने वकालत आरंभ कर दी। एक वर्ष बाद कुछ मित्रों की सहायता से उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। पीड़ितों की समस्याएं हल करना इस सभा का मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र भी निकाला। इसी वर्ष वे मुंबई विधानसभा के सदस्य बनाए गए। 27 मई 1935 को बाबा साहब की पत्नी रामाबाई का देहांत हो गया, जिससे वे बहुत दुखी हुए। डॉक्टर अंबेडकर समाज में पीड़ितों को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे। वे उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए संकल्प ले चुके थे। इतिहास की सच्ची जानकारी देने के लिए उन्होंने शूद्र कौन थे नामक पुस्तक लिखी, जो बहुत लोकप्रिय हुई। भारत के वायसराय ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें अपने सचिव मंडल का सदस्य बनाया। सन 1947 में भारत के स्वतंत्र होने पर वे संविधान सभा के सदस्य चुने गए। संविधान का प्रारूप उन्हीं की अध्यक्षता में तैयार हुआ। उन्होंने उसमें पीड़ितों को समानता का अधिकार दिलाया। राष्ट्र की एकता के लिए भी उन्होंने कई बातें संविधान में सम्मिलित कराई। संविधान निर्माण में बाबा साहब ने अभूतपूर्व परिश्रम किया। 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार बनी। डॉक्टर अंबेडकर को इस सरकार में कानून मंत्री का पद दिया गया। वे भारत के पुराने कानूनों में कई सुधार करना चाहते थे, किंतु प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनका मतभेद हो गया। इसीलिए सन 1951 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। सरकार से अलग होकर वे पूरी शक्ति से समाज सेवा में जुट गए। लोग उन्हें देवता की तरह पूजने लगे। वे जहां जाते थे जय भीम के नारों से आकाश गूंज उठता था। वे कट्टर हिंदुओं के आगे झुकना नहीं जानते थे। उन्होंने सन 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना भी कर डाली और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इस घटना से हिंदू समाज में बड़ी खलबली मच गई।
दुर्भाग्य से 6 दिसंबर सन 1956 को अचानक लाखों पीड़ितों को छोड़कर डॉक्टर अंबेडकर स्वर्गवासी बन गए। हिंदू समाज डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब कहकर सम्मान देता है। वे देश के पिछड़े और पीड़ित समाज के प्राण थे। बचपन से ही उनमें कठोर परिश्रम करने की आदत थी। नित्य 18 घंटे पढ़ना उनके लिए सहज बात थी। सिनेमा और गपशप से वे दूर रहते थे। कठिनाइयां उनका मार्ग नहीं रोक पाती थी। वे जो सोचते वही करते थे। उनका भाषण प्रभावशाली होता था। तर्क करने की उनमें अनोखी शक्ति थी। वे किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे। उनकी लड़ाई तो उन बुराइयों से थी जिन्हें मनुष्यों ने धर्म में उत्पन्न कर दिया है। डॉक्टर अंबेडकर इसीलिए महान हैं क्योंकि उन्होंने छुआछूत के पाप को नष्ट करने का प्रयत्न किया। उनके प्रयत्नों से सभी को कानून में समानता का अधिकार मिला। आज सभी बालक बालिकाएं साथ साथ बैठकर पढ़ते हैं, खाते पीते और खेलते कूदते हैं। गाड़ियों, होटलों, तीर्थों, मंदिरों आदि सभी जगह वे समान रूप से आते जाते हैं। हजारों वर्षों के भारतीय इतिहास की ये बहुत बड़ी घटना है। डॉक्टर अंबेडकर ने देश को छुआछूत के पाप से छुटकारा दिलाया। आने वाली पीढ़ियां बाबा साहब अंबेडकर के महान कार्यों को स्मरण कर गौरव का अनुभव करती रहेंगी। तो बच्चों, इस पाठ से आपने क्या सीखा? यही कि हमें अपने आसपास किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी से भी नहीं करना चाहिए। सभी वर्ग से समान व्यवहार रखना चाहिए। छुआछूत जैसी कुरीतियों से हमें ऊपर उठना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। बच्चों, अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है बच्चों, बाबा अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता है? बताओ क्या होगा इसका उत्तर? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है बाबा अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बड़ौदा के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को क्या सहायता दी? बताओ बताओ। बिल्कुल सही, बड़ौदा के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देना आरंभ कर दिया। अगला प्रश्न है बच्चों, बाबा अंबेडकर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है, बाबा साहब ने छुआछूत के पाप को नष्ट करने का प्रयत्न किया। उनके प्रयत्नों से सभी को कानून में समानता का अधिकार मिला। अगला प्रश्न है, छोटी बड़ी समस्याओं को तो हमें प्रायः झेलना पड़ता है। इसी उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे शब्दों और उनके परस्पर विरोधी शब्दों को एक साथ एक एक वाक्य में प्रयोग करो। जैसे छोटी शब्द का विलोम शब्द है बड़ी, ऐसे ही शब्द हैं पाप, उत्तीर्ण, पक्ष। तो पाप का वाक्य कैसे बनेगा? वाक्य में हम प्रयोग करेंगे तो ये वाक्य बनेगा, पाप पुण्य के दायरे से बाहर आकर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अगला शब्द है उत्तीर्ण, इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं बच्चों, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण तो परीक्षा देने के बाद ही पता चलता है। अगला शब्द है पक्ष, वाक्य में प्रयोग करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, संसद में पक्ष विपक्ष दोनों की अहम भूमिका होती है। बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग छांटकर लिखो। शब्द दिए हैं प्रकोप, अभिमान, निश्चल, अपमान, प्रभाव। इन शब्दों से आपको उपसर्ग छांटकर अलग लिखना है। प्रकोप का उपसर्ग क्या होगा बच्चों? प्र। और अभिमान का उपसर्ग अभी, निश्चल का नी, और अपमान में उपसर्ग है अप, और प्रभाव में प्र उपसर्ग है। बच्चों, अगला प्रश्न है, नीचे प्रत्यय लिखे हैं, दिए गए शब्दों के साथ इनका प्रयोग कर नए शब्द बनाओ। प्रत्यय कौन कौन से हैं बच्चों? देखो ध्यान से, ता, पन, ई, वाला,
दार, वान। और शब्द कौन कौन से दिए गए हैं? सफल, अपना, भला, मिठाई, ईमान और धन। अब बच्चों ध्यान से देखो, सफल शब्द में हम ता प्रत्यय लगाएंगे तो नया शब्द कौन सा बनेगा? सफलता। बिल्कुल सही। इसी प्रकार से अपना शब्द में पन प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द क्या बनेगा? अपनापन। और इसी प्रकार से भला शब्द में ई प्रत्यय लगाएंगे तो नया शब्द कौन सा बनेगा? भलाई। इसी प्रकार से मिठाई शब्द में वाला प्रत्यय लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा मिठाई वाला। इसी प्रकार से बच्चों ईमान शब्द में दार प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा ईमानदार। और धन शब्द में वान प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा धनवान। बच्चों ये तो अभ्यास कार्य हुआ, अब कुछ गृह कार्य के प्रश्न हैं जिन्हें आपको घर में करना है। पहला प्रश्न है, बाबा साहब के द्वारा किए गए कार्यों को लिखिए। दूसरा प्रश्न है बच्चों, अपने गांव या शहर में प्रचलित किसी कुरीति के बारे में दो वाक्य लिखो और इन प्रचलित कुरीतियों को कैसे दूर किया जा सकता है उस पर अपने विचार लिखो। अंतिम प्रश्न है, विदेश में रहकर डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया? लिखो। बच्चों आज यहीं तक, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।